नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। ओ स्पेशल चूरमा बना रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ। सब हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, एक नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार? अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ऐसे हो गए जो अपना अच्छे से काम कर रहा था, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी भी कम हो गई। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है। कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे? सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि ये रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स में। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सरवाइव कर सके। तो उसके बाद हमारे भाई साहब, उनके हेल्प से हमने इनके पास रहे। हम जब तक हमारे पास काम नहीं था, इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10-11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस जो हमें वकील को प्रेफर किया और उनके सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है। लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं, कुछ कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ देनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। ये करता है कि क्या पता हमें ही ना मिले। कोशिश करता है बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया। तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा? सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? और 35-40 लाख रुपए लगा कर कोई आता है कितना रिस्क लेके बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं, काम धंधा बचा ही नहीं कुछ। 35 लाख से इंडिया में धंधा नहीं कर सकते? बचता ही सर कुछ भी पता ही नहीं है, रिस्क है। 35 लाख लगाने के बाद में कुछ होगा नहीं होगा, 35 लाख लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हम यहाँ कमा सकते हैं। आपको ये लगता है ना कि 35 लाख रुपए मैंने ब्याज में लिया तब भी धंधा नहीं चल सकता? उम्मीद नहीं है। तो इस सफर में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? जब अमेरिका में घुसे। अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है, अब आप यहाँ रहे हो? सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ भेदभाव नहीं है। इंडिया में बहुत भेदभाव है, पिछले कुछ सालों से यहाँ जातिवाद नहीं है। जैसे हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं, अब मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, यो कोई है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ऐसा ही है। मगर अब आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, प्लान क्या है आपका? ट्रक चला के सर मैं फिलहाल तो मेरा अपना रोजगार सेट करना था मुझे, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे मेरा रोजगार सेट हो गया। अब कितने पैसे बन रहे हैं आपके महीने के? महीने के मैं 2 से 2.5 लाख आराम से कमा लेता हूँ, ज्यादा कमा लेता हूँ सर। और आप ट्रक चलाते हो? जी हाँ। फ्यूचर में सर इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई बढ़िया लीडर आना चाहिए जो देश के हालात बदले, रोजगार मिले लोगों को, फिर महंगाई कम हो जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग बसर कर रहे हैं उनका जीवन यापन थोड़ा सा सरल हो जाए, उनको देश से बाहर ना आना पड़े। आपका कोई स्किल हो, कोई हुनर हो आपका, तो इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट होती है? यहाँ ज्यादा होती है या वहाँ ज्यादा होती है? ज्यादा। तो यहाँ पे हर मतलब हर प्रोफेशन में इज्जत, हर प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है। और आप अब इंडिया जा सकते हो या अभी नहीं जा सकते? कब जा पाओगे? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रीन कार्ड होगा? हाँ जी सर। वो तो 10 साल लगे, कितना साल लगेगा उसमें? 10-5 साल आप फैमिली को नहीं देखोगे? नहीं सर। वो आ सकते हैं या उनको भी अलाउड नहीं? नहीं सर। माता पिता को कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ क्या देना चाहते हो? बताओ। पीछे जो बैठे जो हेल्प उन्होंने की है, आई थिंक नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। ये हेल्प सब 100 जो आप हमारे लिए है, आप वहां पे हमारे लिए बहुत रिलैक्स फील होगा सर। ठीक है, आए हो, वहां पे आने हमें टाइम दिया सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको भी नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। आपसे मिलना ही बहुत बड़ी बात है। शाबाश।